राज्य सरकार की पेंशन योजना को अधिकारी ही पतीला लगा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पेंशन को लेकर अधिकारियों की उपेक्षा का नया मामला मेडचल जिले के कुतुबुल्लापुर का है, जहां जीएचएमसी सर्किल 15 में अधिकारियों की लापरवाही के कारण बुजुर्ग लोगों को दो दो साल से पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन न मिलने से बुजुर्ग लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं अधिकारी पेंशन के मामले में लगातार देरी करते रहते हैं। वहीं पेंशन लेने के लिए आने वाले बुजुर्गों ने बताया कि अधिकारी लगातार दौड़ा रहे हैं। कुछ ने कहा कि अधिकारियों के पास कई बार पेंशन का फॉर्म जमा किया, लेकिन उनके पास भी अधिकारी पेंशन को लेकर देरी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ सरकार और जीएचएमसी दोनों मिलकर क्षेत्र के बुजुर्गों को परेशान कर रखा है। तेलंगाना मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जीएचएमसी सर्कल 15 कुतुबुल्लापुर कहा जाता है। यहाँ पर कई लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है और डबल बेडरूम के लिए भी लोग जो है कई एप्लीकेशंस दाखिल किए और अभी तक उनको जो है कुछ अभी तक जो है कुछ भी अधिकारियों ने अभी तक उनको कुछ जवाब नहीं दिया और वो डबल बेडरूम के लिए भी एप्लीकेशन ले रहे हैं और बाद में फेंक दे रहे हैं। और पेंशन्स के लिए भी एक ऐसा शख्स है जो 2012 में लास्ट में पेंशन आया था, फिर उसके बाद में अभी तक पेंशन नहीं आया उनको। ये उनको जो दो आँखें भी नहीं है और दो आँखों से बहुत माजूर है ये, तो भी इनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, क्या यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं जीएचएमसी वाले? आइए यहाँ के मुकामी जो पब्लिक है उनसे पूछते हैं कि ये पेंशन नहीं देने की वजह क्या है। साहब मेरा नाम राजा राम है। मेरा बच्चे को कम से कम तेलंगाना में आने से 2 साल पहले से पेंशन बंद कर दी है। क्या है बोलो तो तेलंगाना आए बाद एक ही दम भी मिलता बोल के मेरे को आज बताया। तेलंगाना आ गए बाद भी यहाँ पर 3 बार एप्लीकेशन दिया, मूसापेट में 2-3 बार एप्लीकेशन दिया, देते जा रहा हूँ फेंकते जा रहे, फिर नया ला बोल के बोल रहे। साहब ऐसा सरकार है, हम गरीब लोग है, ऑटो के हमारा बच्चा नहीं चल सकता, दो आँख नहीं है, दो पाँव नहीं है, आना जाना 200 रुपये किराया, आने को 100 रुपया, जाने को 100 रुपया किराया हो रहा। हम लोग नहीं करे तो पेट नहीं भरता, अगर यहाँ आए तो हमारा काम चले जाता, अब इधर फिरना उधर फिरना बहुत मुश्किल हो रहा। साहब मेहरबानी करके हमारे को हमारे बच्चों को थोड़ा पिंचिन मिला के पिंचिन दे के हमारे थोड़ा आसरा है कि डबल रूम दिए तो डबल बेडरूम के लिए आप एप्लीकेशन दिए साहब हैदराबाद में दिए और शायद मैं भूल गया इधर भी दिया होऊंगा जी। अभी भी मौजूद है उसमें डबल बेडरूम का फॉर्म है जी। हाँ सब मैं सब कुछ करा सब अपने बच्चों के खाते। कितने साल किराए के घर पे साहब? 1965 से किराए से हूँ सब, किराए से किधर से आगे बढ़े, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़े सर, बहुत मुश्किल उठाया सर, इतना मुश्किल उठाया किसी दुश्मन को भी नहीं आ